तो गाइस आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आप जिस वीडियो को देखा, ये जो वीडियो है दोस्तों इंस्टाग्राम रील्स पर मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर दोस्तों आपको भी अगर कुछ इस प्रकार का वीडियो एडिट करना है तो गाइस आपको स्टेप वन पे कुछ इस प्रकार से एक्टिंग करके वीडियो को शूट करनी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर मैं जिस प्रकार से दिखा रहा हूँ सेम टू सेम कुछ इस तरह से आप कर लीजिएगा। और सेकंड स्टेप में गाइस आपको जो ड्रेस है उसको आपको चेंज कर लेनी होगी। चेंज कर लेने के बाद दोस्तों आप अपने हिसाब से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो वन एंड ओनली एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर उसको आपको ओपन करना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके आपका जो मोबाइल का एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर उसको आप ओपन कीजिए। गाइस चलिए काइन मास्टर को आप ओपन कीजिए, मैं जाकर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने यहां पर ओपन कर लिया है। अब गाइस आपको इस वाले मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहां से दोस्तों आपका जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया हुआ वीडियो है उस वाले वीडियो को दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया हुआ वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वाले वीडियो का जो ऑडियो है आपको इसको म्यूट कर लेनी है। म्यूट कर लेने के बाद दोस्तों देख पा रहे जिस जगह पे मैं एक्टिंग किया हूँ उसी वीडियो में दोस्तों उस जगह का खाली बैकग्राउंड का एक पार्ट है। तो गाइस आपको भी अपने वीडियो के एंड में कुछ इस प्रकार के खाली बैकग्राउंड का एक पार्ट रख लेनी होगी। और उस वाले खाली बैकग्राउंड को दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके एक फोटो कैप्चर कर लेनी है। अब दोस्तों आप अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आप आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों जहाँ फ्रेंड्स आप अपने सर का कुछ इस प्रकार से पकड़े हो इस जगह पे फ्रेंड्स आप आइएगा। आने के बाद दोस्तों इस जगह का भी आपको यहाँ पर एक फोटो कैप्चर करनी होगी। फोटो कैप्चर कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपना वीडियो का भी प्ले करना है। और प्ले करके दोस्तों जहाँ फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप आगे की ओर हाथ दिखा रहे हो कुछ इतना दूर तक आप आइएगा। आने के बाद दोस्तों बाकी का जो हिस्सा है उसको दोस्तों सीजर के हेल्प से कुछ इस प्रकार से गाइस आप यहाँ से हटा लीजिएगा। हटा लेने के बाद दोस्तों अभी आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद दोस्तों अभी आपको बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके दोस्तों आपको उसको ओपन करना होगा। तो गाइस चलिए बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन को अभी आप ओपन कीजिए। फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन। तो गाइस मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपको लोड ए फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ से गाइस आपका जो फोटो आपने अब कैप्चर किया है उसको दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। यानी जो सर पकड़ने वाला फोटो है उसको दोस्तों आप यहाँ को सिलेक्शन करना है। गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सर पकड़ने वाला फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ बस इतना दूर तक आपको क्रॉप करना होगा कुछ इस प्रकार से, मतलब ये साइड फ्रेंड्स आपको रखना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। कर देने के बाद दोस्तों अभी आप क्या कीजिएगा, आप अपने दोनों हाथों की फिंगर की हेल्प से कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने वीडियो को जूम कर लीजिएगा। जूम कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो मैनुअल दिख रहा है आपको इसी में क्लिक करना है। इसको ब्रश को दोस्तों थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से गाइस आपको यहाँ पे साइड साइड गाइस आपको यहाँ पे इरेज करनी होगी। देख पा रहे हो मैं गाइस आपको यहाँ पे जल्दबाजी में दिखा रहा हूँ, आप गाइस इस चीज़ को अच्छे से आप यहाँ पे इरेज कर लीजिएगा। मैं गाइस ये जो इरेज करने का काम यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे मैंने यहाँ बैकग्राउंड है उसको मैंने इरेज कर दिया है। अब गाइस आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और ये जो पीएनजी है दोस्तों आपके गैलरी में सेव कर लेनी है। अब गाइस वापस से आपको अपने काइन मास्टर में जाना होगा। तो गाइस चलिए काइन मास्टर में चलते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैं वापस से आ चुका हूं अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर में। अब गाइस आप अपने दोनों हाथों की फिंगर की हेल्प से कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने वीडियो को थोड़ा जूम कर लीजिएगा। जूम कर लेने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे इस वाले लेयर में क्लिक करना है। और गाइस जो को फर्स्ट ऑप्शन आपको मीडिया का दिख रहा होगा आपको इसी वाले मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना है। और यहाँ से दोस्तों जो फोटो यानी इरेजर से दोस्तों आप जो फोटो पीएनजी निकाले हो उस वाली फोटो को दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस इस वाली फोटो को कुछ इस प्रकार से बड़ा करना होगा और इस तरह से गाइस आप अपने हाथों लेके ऊपर कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जिस प्रकार से दोस्तों आपका जो मतलब पीछे का वीडियो है उसी तरह से गाइस आपको इसको भी आपको एडजस्ट करनी है कुछ इस तरह से। एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों इसका भी ड्यूरेशन को कुछ इस प्रकार से इतना ही दूर रखना है। और बाकी का जो हिस्सा है दोस्तों उसको आप सीजर की हेल्प से कुछ इस प्रकार से हटा दीजिएगा। हटा देने के बाद दोस्तों अभी आपको इस वाले फाइल में क्लिक करना होगा और आपको जो की दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले की में क्लिक करना है। अभी गाइस थोड़ा स्लाइड कीजिएगा, प्लस के मार्क में क्लिक कीजिएगा। और गाइस जहाँ जहाँ फ्रेंड्स आप अपना हाथ को मूव कर रहे हो कुछ इसी तरह से अपने जो सर है दोस्तों इसको भी आपको यहाँ पे मूव करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैं जिस प्रकार से दिखा रहा हूँ सेम टू सेम कुछ इस तरह से गाइस आप भी यहाँ पे कीजिएगा। जिस प्रकार से इसको आपको स्लाइड करना है, प्लस के मार्क में क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसको आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी होगी। देख सकते हैं
तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा सर है उसको मैंने कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर दिया है। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको इस वाले लेयर में क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा दोस्तों। और यहाँ पर गाइस आपने जो फर्स्ट में खाली बैकग्राउंड का एक फोटो कैप्चर किया है उस वाली फोटो को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करनी होगी। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जो मेरा खाली बैकग्राउंड का फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आपको राइट साइड में यहां पर एक कॉपीइंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको दोस्तों इस वाले कॉपीइंग के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, मार्क्स को आपको ऑन करना होगा। यहाँ पर गाइस आप सर्कल पर आप सिलेक्शन कर दीजिएगा और कुछ इस प्रकार से एक परफेक्ट सर्कल बना लीजिएगा। बना लेने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल करके आपको इतना दूर तक आना होगा। आने के बाद दोस्तों इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस प्रकार से गाइस आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है। बढ़ा देने के बाद दोस्तों अभी आपका जो ब्राइटनेस है उसको दोस्तों अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर दीजिएगा। देख सकते हैं आप मैं जिस प्रकार से दिखा रहा हूँ उस तरह से गाइस आप भी यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा। एडजस्ट कर देने के बाद दोस्तों इसका भी ड्यूरेशन को आपको इतना ही दूर तक आपको रखना है और बाकी का जो हिस्सा है दोस्तों इसको आप यहाँ पे ट्रिम कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। ट्रिम कर लेने के बाद दोस्तों अभी आपको अपने वीडियो में कुछ इसी प्रकार से दोस्तों मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा और यहाँ से दोस्तों आपका जो सेकंड रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करनी है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा सेकंड रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आप अपने वीडियो का जो ऑडियो है उसको आप कुछ इस प्रकार से म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपना वीडियो को प्ले करना है और जहाँ पर आप अपने हाथ को कुछ इस प्रकार से खींच रहे हो कुछ इतना दूर से आपको गाइस बाकी के जो हिस्सा है मतलब आगे का जो हिस्सा है उसको दोस्तों सीजर के हेल्प से कुछ इस प्रकार से आपको हटा देनी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जिस प्रकार से हटाया है सेम टू सेम कुछ इस प्रकार से हटा लीजिएगा। हटा लेने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से इतना दूर तक आप आइएगा। आने के बाद दोस्तों अभी थोड़ा गाइस अपने वीडियो को थोड़ा नॉर्मल साइज में आप कुछ इस प्रकार से कर लीजिएगा। कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका जो वीडियो है उसको आपको यहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा में करना है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा में कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। देख पा रहे हो यहाँ पर मैं जिस तरह से दिखा रहा हूँ सेम टू सेम कुछ इस तरह से आप टुकड़ा टुकड़ा में आप कर लीजिएगा और बाकी जो हिस्सा रहेगा दोस्तों उसको सीजर की हेल्प से कुछ इस प्रकार से हटा लीजिएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना बस इतना ही, आपको जो फाइल है उसमें क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसमें क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको गेट मोर में चले जानी है। जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टाइलिश के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो मैं ग्राफिक्स दिखाऊंगा उस वाले ग्राफिक्स को दोस्तों आपको यहाँ पे डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर लेनी है। सॉरी दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रैवल में जाना होगा, ठीक है। उसके बाद आप ये जो कैम मोशन है इसको दोस्तों आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल करके रखा है। तो गाइस मैं यहाँ पे शेक वाला जो फर्स्ट में उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। कर देने के बाद दूसरे वाले फोटो में क्लिक करूंगा, इसमें भी गाइस क्लिप ग्राफिक्स को ओपन करके अभी मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्शन करूंगा। इस तरह से गाइस मेरे जितने सारे यहाँ पे वीडियो के टुकड़े हैं उन सारे टुकड़े में गाइस ये जो इफेक्ट है या फिर ग्राफिक्स बोल सकते हैं इसको दोस्तों मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मैं अपने सारे वीडियो में यहां पर जो ग्राफिक्स है उसको अप्लाई कर दिया हूं। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर क्या करनी है, आपको इस वाले लेयर में क्लिक करना होगा। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों अभी गाइस आप यहाँ से एक ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस प्रकार से फुल स्क्रीन में कीजिएगा और इसका जो ड्यूरेशन है आपको वीडियो के एंड तक कर देना होगा। अब आपको राइट साइड के लास्ट में चले जानी है जहाँ पर आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस वाले ब्लेंडिंग में क्लिक करके ओवरले में आपको सिलेक्शन कर देना होगा और इसका ओपेसिटी जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे इतना में आप कर दीजिएगा। तो गाइस फाइनली अभी अगर दोस्तों अपना वीडियो को प्ले करके आप देखते हो, सॉरी दोस्तों आपको जो ये फाइल है इसको दोस्तों आप यहाँ पे सेंड टू बैक ऑप्शन में कीजिएगा, ठीक है। मैं ये चीज यहाँ पर बोलना भूल गया था, तो आप इसको सेंड टू बैक ऑप्शन में आप कर दीजिएगा। अब गाइस फाइनली अगर अपना वीडियो को प्ले करके देखते हो तो आपका वीडियो अभी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान और ये स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस प्रकार का वीडियो आप बना सकते हो। अब चाहे तो गाइस आप इस वाले वीडियो में जो स्पार्क वाला इफेक्ट आप डाल सकते हो। डालने के बाद इस वाले शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना फाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेनी है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों वीडियो इतना सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को मैं लाइक कैम रखता हूँ ओनली 1700 लाइक का, जो कि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं इतना दोस्तों मुझे पता है। बाकी चैनल पे अगर आप नहीं हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप वहाँ पे ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।